नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहता हूं इस यूनिक सिस्टम के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और आज आप सभी का वेलकम करता हूं एक ऐसे सिस्टम में जिसने मुझ जैसे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव चेंज ला दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा इस सारे सिस्टम को दिखाने से पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट मुझसे भी की गई थी जिस दिन पहली बार मैंने इस सिस्टम को देखा था। और वो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप यहाँ पर आ चुके हैं, बट आपका हो सकता है इस 1 45 मिनट या 1 घंटे के सेशन के दौरान हो सकता है आपकी बेल या आपके मोबाइल की जो रिंग टोन है वो बजेगी। माय डियर फ्रेंड, उसको आप साइलेंट में कर दीजिए, 1 घंटे के बाद सुनिएगा, क्योंकि ऐसी कोई कॉल नहीं है जो आपको इस 1 घंटे के अंदर आपकी लाइफ चेंज कर दिए। माय डियर फ्रेंड, बट मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने सही तरीके से इस सारे सेशन को आपने देखा तो आपकी नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 जनरेशन्स का यहाँ पर लाइफ चेंज हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है, दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हो सकता है इस सेशन के चलते दौरान आपके मन में कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वारीज आएंगी, तो वो आप अपने तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ता जाएगा आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो क्वारीज हैं, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएगी। अगर लास्ट में अंततः अगर आपकी कोई क्वारी रह जाती है तो जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया है उनके साथ आप फोन कॉल पे आप लास्ट में उनसे आप बात कर सकते हैं और अपनी क्वारीज को क्लियर कर सकते हैं, वैसा ऐसा होगा नहीं। उसके बाद इस सारे सेशन के चलते दौरान आपने बड़े ध्यान से सेशन को देखना है, क्योंकि तो कहते हैं दिमाग और पैराशूट तभी काम आते हैं जब खुले होते हैं। तो बड़े ओपन माइंडेड होके इस चीज को देखना है, बड़े समझना है, क्योंकि तो आज मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपको मिलाने जा रहा हूं जो इस सिस्टम के साथ जुड़ के ज्वाइन करके बुलंदियों को हासिल कर रहे हैं। तो आई थिंक आप सभी जो भी हम इस सेशन में हैं, अभी अवेलेबल हैं और जो अभी आ भी रहे हैं, वो सभी तरक्की पाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, और मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रोथ उन्होंने ली है, और वो आपको बताएंगे कि ये सेशन में आप जो आपका जो सारा जो सिस्टम है वो आपको बताएंगे। तो मैं आपकी वार्म वेलकम में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर साहिल कालिया जी फ्रॉम जलंधर। साहिल जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल सर? यस सर। राइट। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मोदीगर मॉर्निंग। यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं और वो हैरान हो रहे होंगे कि रात के 9:15 बजे हम गुड मोदीगर मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग क्यों हम विश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ये स्लोगन है गुड मॉर्निंग का। और गुड मॉर्निंग देखिए तब नहीं होती जब हम सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग एक्चुअली तब होती है जिस दिन हमें हमारे जिंदगी का मकसद पता लग जाता है। दोस्तों, जिस दिन हमें एहसास हो जाता है कि हमने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है, हमारे अंदर भी वो काबिलियत है कि हम अपने और अपने परिवार में और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के सपने पूरे करने का एक जरिया बन सकते हैं। दोस्तों, तो असल में सवेरा तभी होता है, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। तो आज की प्रेजेंटेशन बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर परिवर्तन लेकर आ सकती है, उनकी सोच के अंदर परिवर्तन लेकर आ सकती है, क्योंकि कहते हैं किसी भी चीज की शुरुआत एक सोच के साथ होती है। और आज मैं यहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपकी सोच में एक बदलाव लेकर आने का जरिया बनने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और अगर आपने आज की प्रेजेंटेशन से कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपनी सोच में बदलाव लेकर आ गए दोस्तों, तो आज की प्रेजेंटेशन आपके जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है। बिलीव मी माई फ्रेंड्स, सारी रिक्वेस्ट इंद्रजी सर ने आपके सामने कर चुके हैं, मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों। पूरी प्रेजेंटेशन मुझे नहीं पता कि आपको कितनी समझ आएगी कितनी नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों इस प्रेजेंटेशन के आखिरी 10 मिनट आपकी जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के जो आखिरी 10 मिनट होंगे, बिलीव मी, वो एक यू टर्न लेकर आ सकते हैं आपकी जिंदगी के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा, जो आखिरी के 10 मिनट होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, तो आखिर तक बने रहिएगा। मेरा नाम साहिल है, साहिल कालिया, बेसिकली आई बिलोंग्स टू जलंधर पंजाब। और मोदी के बिजनेस को आज से कुछ समय पहले मेरे साथ भी इंट्रोड्यूस किया गया था,
बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं एक जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी के अंदर, नॉर्थ इंडिया की सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ आईटी कंपनी के अंदर एज ए क्लस्टर हेड के लेवल पे। और जॉब के साथ साथ आज क्लोजिंग के बाद मैं आज साथ में पार्ट टाइम मोदी कर भी कर रहा हूँ दोस्तों। और मेरा मानना यह है कि अगर मैं कर सकता हूँ और मैंने अपने करियर में बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर बदलाव लेकर उनकी जिंदगी के अंदर बदलाव आते हुए देखा है, अगर कुछ लोग कर सकते हैं तो आप भी इस बिजनेस के साथ ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा प्रेजेंटेशन के अंदर। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो है वो प्रेजेंटेशन को फोकस होके देखें। और जो लोग पहली बार इस प्रेजेंटेशन में आए हैं उन लोगों के लिए ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, लर्न करने का मौका होता है। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोगों के लिए ये जिंदगी बदलने का एक जरिया बन सकता है दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया कि ये प्रेजेंटेशन आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकती है, तो इस प्रेजेंटेशन का नाम भी परिवर्तन है। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। और देखिए मैं शुरुआत में बात करना चाहूंगा सपनों की। हर इंसान का एक सपना होता है आज की डेट में, एक अपने सपनों की जिंदगी को जीना ये हर इंसान का सपना है और सपना बन के रह जाता है ज्यादातर लोगों का। रिकॉग्नाइजेशन हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, ड्रीम कार, ड्रीम बंगलो, फाइनेंशियल फ्रीडम और दुनिया घूमना हर इंसान का सपना है। लेकिन वो लोग उनके लिए सपना ही क्यों रह जाता है, उसका कारण ये है कि हम सारी जिंदगी हम जरूरतों के पीछे भागते रहते हैं। अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ लिविंग की दोस्तों, जिसमें लग्जरियस प्रोडक्ट्स, लग्जरी की बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ नेसेसिटीज की बात करूंगा, जरूरतों की बात करूंगा। कहते हैं 1960 के अंदर 100 रुपया सफिशियंट होता था एक परिवार को खर्च चलाने के लिए, लग्जरी नहीं नेसेसिटीज पूरी करने के लिए 100 रुपया सफिशियंट होता था। और कहते हैं हर 20 साल बाद आपकी 100 रुपए के साथ एक जीरो लग जाता है दोस्तों। तो जैसे ही उस आमदनी के साथ एक जीरो लगा, 1980 के अंदर 1000 रुपया जरूरी हो गया था एक घर घर चलाने के लिए एक परिवार को। और आगे 20 साल आगे बढ़े तो सन 2000 के अंदर दोस्तों 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ती थी एक परिवार को घर चलाने के लिए। और उसके 20 साल बात करें दोस्तों, आज 2022 की अगर मैं बात करूं तो आज सभी आप जानते हैं कि एक परिवारिक आमदन जो है 1,00,000 रुपया जरूरी हो चुका है। चाहे आपके घर में एक अर्निंग हैंड है, दो अर्निंग हैंड है या तीन अर्निंग हैंड है, आपके परिवार में जब दो तीन लोग मिलकर एक परिवार में जब 1,00,000 रुपया लेकर आते हैं दोस्तों, तभी जाके एक आप अच्छी जिंदगी या एक अच्छी जरूरी चीजें आप पूरी कर सकते हैं। लग्जरी गाड़ी या लग्जरी बंगलों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जरूरी चीजों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों हैरानी की बात ये है कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज 1,00,000 रुपया परिवारिक आमदन तक नहीं पहुंचे और अपनी जरूरी चीजों को वो जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बात है अगले 20 साल बाद की, क्या हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसमें हमारा परिवार 10,00,000 रुपया महीना कमाने की रास्ते पे चले, क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? मैं आगे बढ़ूं दोस्तों तो 40 साल हम अपनी जिंदगी के एक्टिव इनकम के पीछे भागते रहते हैं। देखिए दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है, हम काम करते हैं तो इनकम आती है, काम नहीं करते तो इनकम नहीं आती दोस्तों। चाहे वो इम्प्लॉइज है, चाहे वो कोई शॉपकीपर है, चाहे कोई प्रोफेशनल पर्सन है लाइक डॉक्टर हो गया, सीईओ हो गया, ये लोग भी अगर काम करेंगे तो इनकम आएगी। जिस दिन उन्होंने काम करना बंद कर दिया उस दिन आमदन आनी बंद हो जाती है दोस्तों। दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम, एक ऐसी इनकम जिसके अंदर आप एक सिस्टम जनरेट करते हैं और वो सिस्टम आपके लिए काम करता है। दुनिया में 2-3% लोग ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं और अपने जीवन के अंदर वो अगर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं जो सिस्टम उनको कमा के देता है। चाहे मैं हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की बात करूं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात करूं दोस्तों, तो उन्होंने एक सिस्टम, एक टीम बिल्ड करी है, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नेटवर्क क्रिएट किया है, एक सिस्टम क्रिएट किया है, क्योंकि उनको पैसे के लिए नहीं, फिर पैसा उनके लिए दोस्तों काम करता है। तो बात यहाँ पे यह है कि हमने डिसाइड करना है कि क्या हम अपने जीवन के 40 साल एक्टिव इनकम के पीछे भागना चाहेंगे या पैसिव इनकम के बारे में आज शुरुआत करना चाहेंगे। आगे बढ़ूं दोस्तों, मैं अगर बात करूं ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग की, देखिए आज की डेट के अंदर अगर मैं बात करूं मोदी केयर की, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आज आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, मोदी केयर आज की डेट के अंदर 14 से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर
हमारे पास 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो है आपके और मेरे घरों में पहुंचते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात करना चाहूंगा। मोदी केयर से पहले हम अपने डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स हैं, रोजमर्रा का सामान है, हम कहां से लेकर आते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट से लेकर आते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट काम कैसे करती है दोस्तों, जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उसकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो होती है मात्र 35 रुपए। एक एग्जांपल लेते हैं, एक 35 रुपए में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचते पहुंचते उसकी उसकी जो प्रॉफिट जुड़ने के बाद ये 45 रुपए का पहुंचा। वो जब डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को ये प्रोडक्ट आगे देता है तो वो वहां पर पहुंचते पहुंचते होलसेलर के पास 65 रुपए का हो जाता है, और 65 रुपए से आगे रिटेलर के पास पहुंचते पहुंचते वो 75 रुपए की कॉस्ट पहुंच जाती है दोस्तों। और वही रिटेलर अपना मार्जिन जोड़ने के बाद आम लोगों को एंड यूजर को, आपको और मेरे को, तो हम जैसे यूजर स्टोर तक पहुंचता है प्रोडक्ट, तो वो हमारे हाथ में 100 रुपए का पहुंचता है दोस्तों। तो 35 रुपए की चीज बनी और 100 रुपए में आम लोगों के घरों में पहुंची, तो जो बीच का 60-70% पैसा है वो कहाँ गया? वो इस मिडिल मैन के पास, इन मिडिल मैन के पास चले गया, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इस मिडिल मैन के पास। और बहुत बड़ी आमदनी सेलिब्रिटीज के पास जाती है जिसमें करोड़ों रुपया लेकर बोलते हैं ठंडा मतलब कोका कोला। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वही 60-70% पैसा जब मिडिल मैन के पास जाता है तो वहां पे सिर्फ कुछ चंद लोग ही पैसा बनाते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें दोस्तों, वहीं पर मोदी केयर ने क्या किया, एक सिस्टम बिल्ड किया डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, जिसमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठाया, डायरेक्टली हमने एंड यूजर को पहुंचाया। जो बीच का 60-70% पैसा है, देखिए पहुंचा अब भी 100 रुपए में, लेकिन जो अब जो बीच का जो 60-70% पैसा है दोस्तों, वो वापिस कैसे मोदी केयर ने, कैसे डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट ने ये कितना अच्छा किया कि वही 60-70% जो पैसा है कैसे उन्हीं यूजर्स को, उन्हीं लॉयल कस्टमर्स को, एंड यूजर को कैसे बेनिफिट दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को वापस दिया जाए। और सेकंड एक बहुत अच्छा पोर्शन उन लोगों को दिया जाए जो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं दोस्तों। 1 करोड़ किसी एक सेलिब्रिटी को देने की बजाय अगर वही 1 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के अंदर 100 लोगों में बांटा जाए दोस्तों, तो 100 नए लखपति पैदा हो जाएंगे दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग की खासियत क्या है दोस्तों कि ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई आपको मैन पावर की, कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप घर से इस बिजनेस को कर सकते हैं। जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस ट्रांसफर होता है, टाइम फ्रीडम भी आपको मिलती है, कोई इसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हाँ दोस्तों, पैसिव इनकम अर्न करने का बहुत बढ़िया रास्ता है और पार्ट टाइम के अंदर भी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। मैं बात करूं मोदी केयर की दोस्तों, मोदी केयर की शुरुआत की थी मिस्टर समीर मोदी जी ने, और मोदी केयर हिंदुस्तान की सबसे पहली, फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कि स्टार्ट हुई थी 1996 के अंदर। और दोस्तों अगर मोदी केयर की बात करें, 26 साल से ज्यादा मोदी केयर को हिंदुस्तान के अंदर लोगों के घरों में फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचाते हुए हो गया है। मोदी केयर की थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड की बात करना चाहूंगा। मोदी केयर इज द पार्ट ऑफ मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मोदी एंटरप्राइजेस, और मोदी एंटरप्राइजेस जो है ये 120 कंट्रीज के से ज्यादा इनका बड़ा नेटवर्क है और लगभग 90 साल से ज्यादा बड़ा हेरिटेज है। मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर लगभग 25 से ज्यादा कंपनीज आती है मोदी केयर के अलावा, तो जिनका पूरा कारोबार जो है 65,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से कलर बार कॉस्मेटिक है, मोदी कार्ड का शीशा आता है, फोर्स के सिगरेट का आपने नाम सुना होगा, 24/7 कन्वीनियंट स्टोर है, राइट, इवन 10 स्पोर्ट्स का जो एशिया का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, डिज्नी का है, ये 10 स्पोर्ट्स का है, वो पूरे एशिया का मोदी एंटरप्राइजेस के पास है। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जो जेरॉक्स मशीन जो हिंदुस्तान में आई थी वो भी जो है मोदी एंटरप्राइजेस के इन्वॉल्वमेंट के साथ, मोदी एंटरप्राइजेस की पार्टनरशिप के साथ आई थी। तो एक बहुत बड़ा हेरिटेज है दोस्तों, और 65,000 करोड़ रुपए का ग्रुप है। यही सबसे बड़ी खास बात है मोदी केयर की, पावर की। आज यही बात है जो मोदी केयर को बाकी सभी कंपनी से अलग खड़ा करती है दोस्तों। तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं, साल, दो साल, चार साल, पांच साल, आठ साल में निपट जाती हैं, सरवाइव नहीं कर पाती, बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाती, आती हैं चली जाती हैं। लेकिन यही एक कारण है मोदी केयर की, जो बैकग्राउंड है मोदी केयर की, जो पावर है, इसी में पावर है, क्योंकि आज 26 साल इसी कारण मोदी केयर जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, 26 साल से रॉक स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी है दोस्तों। आगे बढ़े, अगर सर मोदी केयर की हम बात करें
मोदी केयर के जो प्रोडक्ट रहेंगे दोस्तों, हमारे पास 14 से ज्यादा कैटेगरी के अंदर 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसमें न्यूट्रिशन, हेल्थ और वेलनेस की पूरी रेंज हमारे पास है। वेलनेस के साथ रिलेटेड फूड सप्लीमेंट हमारे पास आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नॉट ए फार्मास्यूटिकल दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हेल्थ रेंज के अंदर हमारे पास आते हैं। और कलर बार कॉस्मेटिक के अंदर अगर मैं बात करूं, कॉस्मेटिक की पूरी रेंज है, और मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया में सबसे बेहतर अगर कॉस्मेटिक कहीं का पाया जाता है तो वो है यूरोप। और मुझे प्राउड होता है बताते हुए, मोदी केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, या तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर है यूरोप की किसी यूरोप कंट्री से, या उसकी फॉर्मुलेशन जो है वो यूरोप से हुई है दोस्तों। तो ये कॉस्मेटिक हमारे पास बहुत ही बेहतरीन रेंज के अंदर है, स्किन केयर की आयुर्वेदिक रेंज के साथ, स्किन केयर की हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, फूड एंड बेवरेजेस के अंदर, जिसके अंदर आपकी किचन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट, जिसमें मसाले आ गए, कुकिंग ऑयल आ गया, राइट, हींग जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें जो किचन के साथ डेली यूज में आने वाली चीजें हैं। उसके बाद ऑटो केयर के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है दोस्तों, सुबह उठ के ब्रश करने से लेके टूथपेस्ट से लेकर बाथिंग सोप से लेके हैंड वॉश से लेके क्रीम, बॉडी लोशन, ये सारी चीजें पर्सनल केयर के इसके अंदर आ जाती हैं। लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट हैं, होम केयर के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। लाइफस्टाइल कैटेगरी के अंदर हमारे पास एयर प्यूरिफायर आता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर हमारे पास 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड हमारे पास ज्वेलरी की रेंज है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वॉचेस हमारे पास अवेलेबल है, और डिवाइन कैटेगरी के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है दोस्तों। 600 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज के साथ आज मोदी केयर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर मैं बात करूं, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिल्डिंग के चार पिलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। पहला पिलर मोदी केयर का, जो कि मैं पिलर्स की बात करूं दोस्तों, तो हमारा सबसे बड़ा, जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूं, मोदी केयर को जो सबसे अलग खड़ी करती है बाकी सभी कंपनियों से, वो है मोदी केयर की कंपनी प्रोफाइल। जो हमारी प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग है, मोदी केयर जैसी प्रोफाइल आज की डेट के अंदर हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर और कोई भी कंपनी लेकर नहीं चल रही। कंपनी की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। सेकंड पिलर हमारा है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, आज बहुत बड़े प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ हम चल रहे हैं, और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, यहाँ पे हमारे जो बच्चों की टॉफी से लेके प्रोटीन पाउडर के पीछे, मतलब सस्ते से लेके महंगे से महंगे हर प्रोडक्ट के पीछे समीर मोदी जी के सिग्नेचर है विद सेटिस्फेक्शन गारंटी। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप प्रोडक्ट रिफंड करिए, आपका पूरा पैसा वापस है दोस्तों। ऐसी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ मोदी केयर बड़े प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ चल रही है दोस्तों, ये हमारा सेकंड पिलर है बड़ा। तीसरा हमारा सबसे बड़ा पिलर है दोस्तों कंज्यूमर प्लान। हमारे प्लान के अंदर हमने एंड यूजर को, एंड यूजर जो डायरेक्टली हमसे सामान ले रहा है, बिजनेस चाहे कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कंज्यूमर प्लान के अंदर हमने दोस्तों लोगों को बेनिफिट दिया है, ताकि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसको दिया जा सके। और चौथा हमारा पिलर है दोस्तों बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर कैसे एक हाउस वाइफ से लेके एक बिजनेस करने वाला पर्सन मोदी केयर के साथ जुड़ के पार्ट टाइम से लेके फुल टाइम तक 5,000 रुपए से लेके 5-5 लाख रुपए तक महीने का कैसे बना सकता है दोस्तों। बिजनेस मॉडल बहुत शानदार मोदी केयर का यहाँ पे अवेलेबल है। ये चार पिलर हमें मोदी केयर के अंदर जो है स्ट्रांगली हमें आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और कंपनी प्रोफाइल बता चुका हूं, मैं कंज्यूमर प्लान की बात करूं दोस्तों। कंज्यूमर प्लान, कंज्यूमर बेनिफिट्स के अंदर हमें कैसे मिलता है, एक एंड यूजर दोस्तों समझिएगा ध्यान से, एक एंड यूजर जो खाली अभी जैसे दुकान चेंज की है दोस्तों, जो सामान आप मान लीजिए आपने अपने हेल्थ के रिलेटेड, किसी आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, किसी सप्लीमेंट्स के स्टोर पे जाते हैं, आप किराने को लेकर आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं, या कॉस्मेटिक के लिए किसी स्टोर पे जाते हैं, जितने भी ये प्रोडक्ट्स मोदी केयर में अवेलेबल है दोस्तों, आपने करना क्या, खाली दुकान चेंज करनी है। जो सामान आप किसी अदर शॉप से अदर ब्रांड का लेके आते हैं, और आपको कोई लालच की दुकान आपको फायदा नहीं देती, मैं आपको बोलता हूं आपने सिर्फ दुकान चेंज करनी है दोस्तों। और दुकान चेंज करने के ऊपर क्या बेनिफिट एज ए कंज्यूमर मोदी केयर आपको दे रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए एक तरफ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शॉप के अंदर जो हम चीजें जो हमें बेनिफिट नहीं मिल पाते और मोदी केयर के अंदर हमें मिल रहे हैं, सबसे पहले है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, कोई भी शॉप हमें नहीं देती लेकिन मोदी केयर हमें दे रहा है। डिस्काउंट ऑन एमआरपी, आप अपना कस्टमर कार्ड बनाइए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है दोस्तों, सिर्फ आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, केवाईसी डॉक्यूमेंट से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना कस्टमर कार्ड बना सकते हैं। और आपके कस्टमर कार्ड बनाने से होगा क्या, होगा ये कि आपको एमआरपी के ऊपर 10-20% का डिस्काउंट है, कोई भी प्रोडक्ट आपको एमआरपी के ऊपर नहीं मिलेगा, बल्कि 10-20% का डिस्काउंट मिलेगा हर प्रोडक्ट की एमआरपी के ऊपर।
थर्ड बेनिफिट आपको मिलेगा, आपकी हर खरीदारी के ऊपर 10% से लेके 15% तक का एक फ्री प्रोडक्ट जो किसी दुकान पर नहीं मिलता। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने 1,000, 2,000 या 3,000 या 5,000 का सामान लेने गए और लाला जी ने आपको बोला हो कि भाई साहब ये 100-200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री ले जाइए? मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों, मैं यकीनन कहना चाहूंगा आपके साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप मोदी केयर से जुड़ते हैं, आप यहाँ से रेगुलर खरीदारी करते हैं दोस्तों, तो आपने आपको जितनी भी बिलिंग कराएंगे 1,000 रुपए के बिल को 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री, 2,000, 3,000, 5,000 के बिल को 200, 300, 500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा दोस्तों। चौथा बेनिफिट है लॉयल्टी कूपन। यहाँ पे आपकी खरीदारी के साथ आपको कूपन जनरेट किया जाएगा जो वेरी नेक्स्ट मंथ आप रिडीम करवा सकते हैं दोस्तों, जो लगभग 15% से लेके 20% तक आपको लॉयल्टी कूपन मिलता है जो मार्केट में कभी नहीं मिलता। मैं पिछले कई सालों से लगभग हम एक ही दुकान से, सभी लोग एक ही दुकान से सामान लेकर आते हैं, लेकिन उस लाला जी ने कभी ऐसा नहीं बोला भाई साहब कि इस बार आप 450 रुपए का, 500 रुपए का, 800 रुपए का फ्री में सामान ले जाइए क्योंकि आप पिछले 5 साल से सामान ले रहे हैं हमसे, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मोदी केयर क्या बोलता है, मैं अपने रेगुलर कस्टमर्स को, मैं अपने लॉयल कस्टमर को, मैं हर महीने एक लॉयल्टी कूपन के तौर पे उनको फ्री प्रोडक्ट ऑफर करूंगा। कैशबैक, कभी हमें मार्केट की खरीदारी के ऊपर कैशबैक नहीं मिलता दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 10-15% तक का हमारी खुद की खरीदारी का दोस्तों कैशबैक मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलता है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलता है, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये चीजें मार्केट से कभी नहीं मिलती जो हमें यहाँ पे मोदी केयर में मिलती है। आइए थोड़ा सा और डीपली आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि रीपर्चेज बेनिफिट मैंने अभी आपको बताया ही है कि जब भी हम बिलिंग करते हैं तो एक रीपर्चेज ऑफर हमें मिलता है, जिस ऑफर का मतलब होता है आपने अगर मान लीजिए 1,000 रुपए की खरीदारी करी तो 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, 2,000 रुपए की खरीदारी करी तो 250 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, 3,000 रुपए की खरीदारी करी तो दोस्तों लगभग 350 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, और वहीं पर अगर 5,000 रुपए की खरीदारी करते हैं तो लगभग 650 रुपए तक का फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा दोस्तों। लगभग 10-15% का हमें बेनिफिट है। आपने जब भी खरीदारी करनी है 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 उसके साथ साथ आपको ये 100, 250, 350, 650 स्लैब के हिसाब से आपको एक फ्री प्रोडक्ट मोदी केयर की तरफ से मिल जाएगा जो आज तक कभी किसी लाला जी की दुकान से नहीं मिला। सेकंड बेनिफिट है दोस्तों लॉयल्टी कूपन। इसमें जब भी आप मोदी केयर से 3,000 रुपए की खरीदारी करते हैं दोस्तों तो आपको 450 रुपए का एक कूपन मिलता है, 5,000 की खरीदारी के ऊपर 800 रुपए का मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 850 लिखा हुआ, सॉरी 800 रुपए का कूपन यहाँ पे मिलता है। और अगर आपकी 60,000 रुपए की खरीदारी होती है दोस्तों 60,000 रुपए की, तो 1,200 रुपए का कूपन मिलेगा दोस्तों। तो 3,000 के ऊपर 450 रुपए का, 5,000 के ऊपर 800 रुपए का कूपन मिल जाएगा, तो वेरी नेक्स्ट मंथ आप अपनी चॉइस से कोई भी सामान ले सकते हैं, राइट है। अब सभी को मैं इकट्ठा मिलकर आपको बताता हूँ टोटल ओवरऑल बेनिफिट क्या होगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने 3,000 रुपए की खरीदारी करी 60 PV के साथ, 60 PV में बोल रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप खरीदारी करते हैं तो उसके साथ कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जब भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे ना तो उसके साथ मतलब हर प्रोडक्ट के पीछे कुछ पॉइंट्स होते हैं, पीवी पॉइंट वैल्यू होती है, तो जब भी आप कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर हायर पॉइंट वैल्यू है, कुछ के ऊपर लोअर पॉइंट वैल्यू है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, अगर आप 3,000 रुपए की खरीदारी करते हैं और 60 PV मेंटेन करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? मान लीजिए एक कस्टमर आया, उसने 3,000 रुपए की खरीदारी करी, एक तो उसको 450 रुपए का लॉयल्टी कूपन जो अभी बता के हटा हूँ, दूसरा उसके बैंक अकाउंट में कैशबैक भी आएगा, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आपको आपने से 3,000 रुपए की खरीदारी करी 60 PV के साथ, तो 350 रुपए तक का आपको कैशबैक आएगा आपके बैंक अकाउंट में। उसके बाद रीपर्चेज ऑफर मीन 3,000 रुपए की खरीदारी करने के ऊपर 350 रुपए का आपको फ्री प्रोडक्ट मिल गया, राइट है। टोटल बेनिफिट 1,150 रुपए तक, जो कि 3,000 का 40% बनते हैं दोस्तों। 3,000 रुपए की खरीदारी करने के ऊपर 450 रुपए का कूपन, 350 रुपए का कैशबैक और 350 रुपए का फ्री प्रोडक्ट। आप सोच के देखिए, 3,000 रुपए का सामान हम लाला जी की दुकान से भी लेते थे, कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन अगर वही 3,000 रुपए का सामान हम यहाँ पे खरीदते हैं दोस्तों, तो 1,150 रुपए तक का बेनिफिट डायरेक्टली एंड यूजर को यहाँ पे मिल रहा है, हर एंड यूजर को मिल रहा है दोस्तों। ये हमारा है कंज्यूमर प्लान, एक सिर्फ मोदी केयर के कंज्यूमर बनने पर ही इतने सारे बेनिफिट है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कंज्यूमर प्लान की, राइट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, मैं कमा कैसे सकता हूं, मैं जब इस प्रेजेंटेशन को देख रहा था दोस्तों, तो मैं इसी स्लाइड की वेट कर रहा था, विटामिन एम
मनी, पैसा कैसे बनाया जा सकता है, कैसे एक हाउस वाइफ पार्ट टाइम के अंदर यहाँ पे पैसा बना सकती है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कैसे एक जॉब करने वाला, बिजनेस करने वाला पार्ट टाइम के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट करके इनकम अर्न कर सकता है। दोस्तों इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करने से पहले बताना चाहूंगा इसकी खासियत क्या है। ये विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, अब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क नहीं है, और डेली यूज प्रोडक्ट्स के अंदर आपको अपना करियर बनाने का मौका मिल रहा है। दोस्तों कोविड के अंदर आपने देखा सब बंद था, लेकिन डेली यूज होने वाली चीजें, रोजमर्रा का सामान के अंदर डील करने वाले लोगों का कारोबार बंद नहीं हुआ दोस्तों। और ये बिजनेस को आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, हाईली क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स आप शेयर करके, जस्ट शेयर करके यहां से पैसा बना सकते हैं दोस्तों बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और जानते हैं कि कैसे हम पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन उसको जानने से पहले की समझनी पड़ेगी पावर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की पावर क्या है दोस्तों। दुनिया में याद रखिएगा क्यों 98% लोग जिंदगी भर सिर्फ जरूरतों के पीछे भागते रहते हैं, और 2% लोग जो है अपने सपने साकार करते हैं, सपनों को जीते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि पूरी दुनिया का 98% पैसा 2 लोगों के पास है और 2% पैसा 98% लोगों के पास है? कारण है कि वो जो 2% लोग है ना, वो पैसा कमाने का फार्मूला जान चुके हैं। यस, फार्मूले तो बहुत सारे पढ़े होंगे, लिखे होंगे स्कूल के अंदर मैथ टीचर ने, लेकिन एक फार्मूला मैंने किसी मैथ टीचर से नहीं, किसी प्रेजेंटेशन से, ऐसी एक प्रेजेंटेशन से सीखा था। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ये फार्मूला है पैसा बनाने का फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना समय लगेगा उतना पैसा बनेगा। आप बोलेंगे कि सर लिमिटेड टाइम है, सबके पास सेम टाइम है, दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे, 14 घंटे, 8 घंटे ही सिमिलर एक इंसान टाइम लगा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, 8 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, 12 घंटे काम किया, तो उसके अकॉर्डिंग भी पैसा बनेगा। जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन टाइम कैसे बढ़ाया जाए, टाइम कैसे बढ़ाया जाए दोस्तों। इस दुनिया में जिसने भी पैसा बनाया उसने अपना समय बढ़ाया। याद रखिएगा, समय बेचने वाला बंदा अमीर नहीं होता दोस्तों, समय खरीदने वाला बंदा अमीर होता है। मैं रिपीट करूंगा, समय बेचने वाला बंदा अमीर नहीं होता, समय खरीदने वाला बंदा अमीर होता है दोस्तों। अब समय कैसे खरीदा जाए, मान लीजिए एक बंदा उसने फैक्ट्री लगाई और उस फैक्ट्री के अंदर 100 वर्कर रखे, हर वर्कर 8 घंटे काम करते और 8 घंटे की पेमेंट ले जाता, लेकिन जब वही 100 बंदे जब 8-8 घंटे काम करेंगे तो उस मालिक के लिए 800 घंटे डेली काम होगा दोस्तों। और जिस मालिक के लिए 800 घंटे डेली काम होगा, बताइए उसका पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा दोस्तों। मैं इस दुनिया, आप देखिए, कभी भी बर्गर बनाने वाला बंदा अमीर नहीं होता, मैंने कभी किसी बर्गर बेचने वाले बंदे को अमीर होते नहीं देखा, करोड़ों रुपया कमाते नहीं देखा। लेकिन हाँ, अगर वही बर्गर नेटवर्क बनाते बेचा जाए तो मैकडोनल्ड का नाम आप सभी जानते हैं, बाटा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जूते बना के बेचने वाला बंदे ने नेटवर्क बना के जूता बेचा तो बाटा बन गया। कभी आपने सुना है कि सब्जी बेच के इंसान ने अरबों रुपया कमा लिया? मैंने तो नहीं सुना कि सब्जी बेच के अरबों रुपया। लेकिन हाँ दोस्तों, वही सब्जी जब नेटवर्क बना के बेची जाए तो रिलायंस फ्रेश का नाम आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। इस अगर पैसा बनाना है, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्क की पावर समझनी पड़ेगी। जिस दुनिया में जिसने भी नेटवर्क बनाया उसने पैसा बनाया दोस्तों। आइए मैं बताता हूं कैसे मोदी केयर के अंदर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के जस्ट हाईली क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट शेयर करके आप नेटवर्क फ्री में कैसे बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाना चाहूंगा दोस्तों। मैं 3 स्लाइड शेयर करूंगा, मैं ज्यादा बिजनेस मॉडल के अंदर डीपली कैलकुलेशन के अंदर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ऊपर से निकल जाएगी। मैं सिंपल आसान शब्दों में आपके सामने 4x4 का स्ट्रक्चर रखना चाहूंगा। 4x4 कैसे, 3 स्लाइड शेयर करूंगा। पहली बिजनेस मॉडल में सबसे पहला लेवल आता है दोस्तों डायरेक्टर लेवल, जो फर्स्ट लेवल है डायरेक्टर लेवल। दोस्तों आपने अगले 5 मिनट अपने आप को अज्यूम करना है यू पोजीशन पे, आप कहां पे हैं, आप यू पोजीशन पे हैं। आपने 4x4 मॉडल इंप्लीमेंट करना है। 4x4 मतलब आप 4 लोगों तक पहुंचे और 4 लोगों के साथ आगे से 4 लोगों तक पहुंचे। मैं अगेन रिपीट करूंगा, 4x4 आप 4 लोगों तक पहुंचे और 4 लोगों की हेल्प की आगे मात्र 4 लोगों तक पहुंचने पे, आपने ए बी सी डी मात्र 4 लोगों तक इस
सिस्टम को पहुंचाया, उनको सिर्फ मोदी केयर में कंज्यूमर बनाया। क्या बनाया? कंज्यूमर। और कंज्यूमर बेनिफिट बताया कि कैसे मात्र 3,000 रुपया, 3,500 रुपये का सामान लेने से आप 1,000-1,100 रुपये तक का बेनिफिट एज ए कंज्यूमर ले सकते हैं। राइट है, आपने 4 लोगों तक पहुंचे और 4 लोगों की मदद से आगे मात्र 4-4 लोगों तक पहुंचे, तो टोटल आपकी टीम बन गई 20 लोगों की। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, वर्ड बोलता हूँ, टीम 20। आपने खाली टीम 20 बिल्ड करी, टीम 20 बिल्ड करी। दोस्तों हुआ क्या, हर इंसान ने लगभग 3,000-3,000 रुपए की खरीदारी करी 60-60 PV के साथ, तो आपकी टीम 20 ने मिलकर आपकी यू पोजीशन पे 1200 ग्रुप पॉइंट हो जाएंगे। दोस्तों 1200 ग्रुप पॉइंट पे लगभग आपकी जो मंथली आमदन बनेगी वो 4,500 से लेकर 5,000 के इन्वेटर में बन जाएगी। दोस्तों अब उन लोगों का सामान खत्म होगा तो बट नेचुरल अगले महीने वो अगेन रीपर्चेज करने जाएंगे, अगेन से परचेजिंग करने जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैसिव इनकम आनी शुरू हो गई। वो हर महीने सामान लेंगे और आपको हर महीने इनकम बनेगी, हर महीने 4,500-5,000 का यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। इसमें अलग अलग फंड है, परफॉर्मेंस बोनस है, बाइक फंड है, डायरेक्टर बोनस है, डोमेस्टिक ट्रेवल फंड है। मैं कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज बातें ऊपर से चले जाएंगी। मोटा मोटा कैलकुलेशन बताऊं, अगर आप 20 लोगों की टीम बिल्ड करते हैं जो खाली कंज्यूमर है मोदी केयर में, सिर्फ कंज्यूमर है दोस्तों, तो आपकी पोजीशन पे 4,500-5,000 रुपये आप बना सकते हैं। लेवल टू में करना क्या है दोस्तों, उन्हीं 20 लोगों की टीम के साथ, उन्हीं टीम 20 के साथ आपने क्या किया, जो आपके साथ डायरेक्टली 4 लोग जुड़े थे, सबसे पहले जिन लोगों ने, जिन 4 लोगों ने आपके साथ विश्वास किया था दोस्तों, उन 4 लोगों की जिम्मेदारी लेनी है। जो लेवल 1 में आपने किया था वही लेवल 1 A B C D के साथ इंप्लीमेंट करना है। जैसे आप इन 4 लोग आपका लेवल 1 अचीव कर लेंगे दोस्तों, मीन्स ये 4 लोग 5,000-5,000 रुपए की आमदन में पहुंच जाएंगे दोस्तों, तो यू पोजीशन पे आपकी आमदन लोगों दोस्तों 14,000 से 15,000 रुपये पहुंच जाएगी। 14,000 से 15,000 रुपये आप इस लेवल पे आप अर्न करना शुरू करेंगे। लेवल 3 में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो आपके साथ A1 से लेके D4 तक, जो सेकंड लेवल पे जो आपके साथ A1 से लेके D4 तक लोग थे, उनके साथ लेवल 1 हिट करवाना है। ऑटोमेटिकली A B C D जो आपके दो डायरेक्ट 4 पर्सन है वो लेवल 2 पे पहुंच जाएंगे, मींस वो अब 14,000 से 15,000 बनाने लग जाएंगे दोस्तों। तो लेवल 3 में आपकी पोजीशन पे 70,000 से 80,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे पे आउट आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैंने 3 लेवल शेयर करिए जिसमें आपने टीम बिल्ड करी, पहले लेवल में आपने 5,000 कैसे बनाना है, दूसरे लेवल में आपकी टीम ने आपके डायरेक्ट ज्वाइनर्स ने 5,000-5,000 कैसे बनाना है, और तीसरे लेवल में आपके डायरेक्ट जो 4 है उन्होंने 14,000 से 15,000 कैसे बनाना है, और आप यहाँ पे 70,000 से 80,000 पर कैसे आ जाएंगे दोस्तों। ये लेवल 3 मैंने आपके सामने शेयर किया, कैसे 5,000 रुपए की आमदन से मात्र 3 स्टेप कंप्लीट करके आप 70,000 से 80,000 का महीना बना सकते हैं मोदी केयर के अंदर। इसके अंदर अलग अलग फंड अवेलेबल हैं, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, इंटरनेशनल ट्रैवल फंड, कार फंड, लीडरशिप बोनस, राइट। तो ये 3 लेवल करके आप 5,000 से 80,000 तक कैसे कमाना है, ये 3 लेवल के अंदर आप अंडरस्टैंड कर पाए। और इसके बाद दोस्तों एक लॉस है, यस, अभी तक जितने भी स्लाइड मैंने दिखाई उसमें सभी के अंदर मैंने बेनिफिट बताया, बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों एक लॉस है, लॉस ऑफ डिले। दोस्तों हुआ होता क्या, मान लीजिए जिसने आपको बुलाया हो सकता है उसने यहाँ पे 3 लोगों को बुलाया, और उसके यहाँ पे 3 लोग और भी है, 2 लोग और भी है जो इस मीटिंग को देख रहे हैं। अब A B C ने इकट्ठे मीटिंग देखी, ए ने क्या किया, आफ्टर दिस मीटिंग इमीडिएटली अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, KYC डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाती है, कोई इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है। ए ने इमीडिएटली एडमिशन करवा ली। बी ने कहा कि भाई साहब मैं 2 घंटे तक बताता हूँ। उसने बी ने 2 घंटे डिले करके अपनी डिटेल सेंड करी, बी की पोजीशन ए के नीचे आ गई, और जो ए था वो थोड़ा सा ज्यादा समझदार था, उसने कहा कि मैं बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ। उसने कल सुबह अपने परिवार के साथ मिलाया, दोबारा से ये पूरी प्रेजेंटेशन, पूरे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन अपने परिवार को दिलवाई, और पूरी समझदारी के साथ अगले दिन सुबह ज्वाइन किया। अब वो तो बंदा निकला समझदार सी, उसने अगले दिन सुबह ज्वाइन किया। हुआ क्या, तीनों ने सेम डे मीटिंग देखी,
थोड़े से अंतराल में ज्वाइन करा। अब जब ए ए की पोजीशनिंग पहले आ गई, बी की उसके बाद, सी की उसके बाद, अब तीनों ने सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों सी ने 1200 ग्रुप पॉइंट करे तो सी को 1200 ग्रुप पॉइंट का बेनिफिट मिला, वहीं पे बी ने भी 1200 ग्रुप पॉइंट करे लेकिन बी को सी का बेनिफिट भी मिला और 1200 ग्रुप पॉइंट का बेनिफिट मिला, और वहीं पे जो ए था ये तो उसने भी 1200 ग्रुप पीवी थे, ग्रुप पॉइंट थे, लेकिन जब उसको बेनिफिट उसके उसको जब मिलेगा तो दोस्तों वो 3600 ग्रुप पॉइंट का मिल जाएगा क्योंकि बी और सी से पहले उसने डिसीजन ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही लॉस है, वो लॉस है लॉस ऑफ डिले, लॉस ऑफ डिले, देरी करने का लॉस है। और देरी, अगर आप देरी से ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो आपको ये नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, बिना डिले की आप इस बिजनेस को अभी स्टार्ट करें, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपका कोई और लॉस नहीं है, कोई और लॉस नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही कुछ और रिस्क है। आपने जो सामान आप अपने आस पड़ोस की किसी दुकान से लेते थे वही सामान अब अपनी दुकान मोदी घर से लेना है दोस्तों, और बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए पार्ट टाइम के अंदर जस्ट शेयरिंग करके। और शेयरिंग तो हम वैसे भी करते हैं, हमारे पड़ोस में कौन से डॉक्टर साहब अच्छे हैं, कौन सी बुटीक अच्छी है, कौन सा पार्लर अच्छा है, कौन सा सैलून अच्छा है, शेयरिंग तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन पहले पैसा नहीं आता था। मोदी कर बोलता है कि आप हमारे प्रोडक्ट की शेयरिंग करिए, आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। दोस्तों एट लास्ट मैं बताना चाहूंगा, देखिए क्या होता है, अगर आपको कुछ समय की खुशी चाहिए तो फूलों की खेती करें, थोड़े बड़े समय की खुशी चाहिए तो अनाज की खेती करें, और अनंत काल तक की खुशी चाहिए, पूरी जीवन भर की खुशी चाहिए तो पेड़ों की खेती करें, क्योंकि एक बार आप पेड़ लगाएंगे पूरी जीवन, पूरे जीवन वहां से फल खाएंगे। दोस्तों लोगों की मदद, कहते हैं किसी को आप चावल भेंट ना दो, उसको चावल उगाना सिखा दो। आप चावल दोगे वो एक बार पकाएगा, एक बार खाएगा, लेकिन अगर चावल उगाना सिखा देंगे वो सारी जिंदगी उगाएगा, सारी जिंदगी खाएगा। किसी को पैसा देने की बजाय उसको पैसा बनाना सिखा दो दोस्तों, आप एक बार सिखाओगे वो पूरी जिंदगी कमाएगा, पूरी जिंदगी खाएगा। दोस्तों अपॉर्चुनिटी देना सबसे बड़ी बात है, मैं आज भी थैंकफुल हूं उस पर्सन का जिसने मोदी केयर मुझे दी, मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी मुझे समझाई कि कैसे बिना इन्वेस्टमेंट किए अपनी जॉब अपने बिजनेस के साथ साथ मैं पार्ट टाइम के अंदर यहाँ पे बहुत ही हैंडसम इनकम अर्न कर सकता हूँ दोस्तों। और एट लास्ट बस यही बोलूंगा, दिस इज ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, अपॉर्चुनिटी बार बार नॉक नहीं करती दोस्तों। और आज एट लास्ट मैं उसके बाद अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं, मैं आपको प्रेजेंटेशन मेरी यहाँ पे ओवर है, और लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आखिरी 10 मिनट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस मीटिंग के आखिरी 10 मिनट में हम आ गए हैं। ये 10 मिनट जो होंगे आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ पाएंगे, क्योंकि आप अपने जैसे लोगों को सुनेंगे जो आप ही के बीच में से आए हैं, अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहे हैं, इन मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करके बहुत फायदा हेल्थ बेनिफिट उन्होंने उठाए हैं, उनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। और आखिर के अंदर हम सब की ग्रेट अपलाइन मिस्टर विवेक शर्मा जी, ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर विवेक शर्मा जी को सुनने का मौका मिलेगा, जो एक एक स्कूटर के ऊपर उन्होंने मोदी का शुरू किया था से 6 साल पहले, आज लग्जरी गाड़ी के अंदर 3 लाख रुपए महीना मोदी घर से बनाते हैं दोस्तों। तो आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट। थैंक यू साहिल सर, थैंक यू। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हम इतनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं। और सर ने बताया कि कंज्यूमर, हम ऑलरेडी सामान तो मार्केट से लेते ही हैं, हमने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइंग हैबिट्स चेंज करनी है। देखिए शुरुआती तौर ये जो था, जो सारा सिस्टम सर ने बताया है ये बड़ा सही तरीके से, आई होप कि आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स में आपको, अब मैं आपको कुछ वो ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ रूबरू कराना चाहता हूँ। ये प्रोडक्ट्स क्योंकि देखिए हमारे इन द लाइन करीबन 600 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, बट मैं कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स जो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा उम्दा किस्म की क्वालिटी है, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज को क्रिएट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, तो उन कुछ प्रोडक्ट्स के कुछ सांकेतिक कुछ डेमोज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और उस डेमोज को लेकर आए हैं हमारे ही कुछ लीडर्स, क्योंकि कहते हैं जब आप यूज करेंगे तभी आप उस चीज को प्रमोट कर पाएंगे।
तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इंदौर से हमारे जबरदस्त लीडर हैं मिस्टर राहुल श्रीवास्तव जी, वो आए और अपना जो प्रोडक्ट है उसका एक डेमो दे। ओवर टू राहुल जी। राहुल जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। राहुल जी अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे प्लीज सर। विवेक सर प्लीज इनको अनम्यूट कर दीजिए सर। सर हेलो हेलो, आवाज क्लियर है सर, बोलिए सर। सर आवाज क्लियर है सर, कैरी ऑन सर। हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल श्रीवास्तव, गुड मोदीकर मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम इंदौर। By profession, I am a brand ambassador of Modi Care Limited. जैसा कि आपने प्रेजेंटेशन में सुना कि नॉर्मली परचेसिंग तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन वो परचेसिंग हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है इसके बारे में बहुत हमने किया। घर बैठे ही सही, एक बार जोरदार तालियां साहिल सर के लिए। दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो इस प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं वो बैठकर लेकर या किस किस तरीके से अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने जो डेमो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो आपको आपकी आंखें खोल के रख देगा। सो आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ मोदी केयर का एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि है एसेंशियल डीओ। डियर, हम सब डीओ लगाते हैं हमारे पर्सनल केयर रेंज में, डीओ का हम लोग जनरल लाइफ में बहुत यूज करते हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में यही एक्सपीरियंस किया है कि जब हमने डीओ का इस्तेमाल किया है तो वो कहीं ना कहीं किसी टीवी एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर ही किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। तो ये मैं मान के चलता हूँ ये एक सिंबॉलिक डेमो है, ये प्लेन पेपर है, इसके ऊपर हम मान लेते हैं दो प्रकार की बॉडी है। अब इस बॉडी पे मैंने मार्केट का बहुत फेमस सा एक डीओ यूज किया और अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जिसके हम सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो है एसेंशियल का डीओ। अब आप इसमें एक अंतर देख रहे होंगे कि यहां पर जब मैंने डीओ किया तो कोई इंक शेयर नहीं किया, लेकिन यहां पर जो है वो पूरी तरह से इंक फैल गई है। बेसिकली इसका डिफरेंस क्या है हमारी बॉडी पे, इसका रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन ये होता है कि जब हम इसे बॉडी पर इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली डीओ काय के लिए यूज करते हैं हम, क्योंकि हम सिर्फ एक फ्रेग्रेंस एक खुशबू यूज करें, लेकिन जब हम इस फ्रेग्रेंस के लिए जब डीओ को बॉडी पे लगाते हैं तो हमने क्या देखा कि बॉडी पर इचिंग आना, ब्लैकनेस आना और आगे चल के स्किन कैंसर तक के कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप मार्केट का भी कोई डीओ यूज कर रहे हैं पहले मोदी केयर का एसेंशियल ट्राई करें, डिफरेंस क्वालिटी बेनिफिट ट्राई करें और उसके बाद ही अपनी परचेसिंग करें। तो एक जागरूक कस्टमर जो होता है, एक जो जागरूक फैमिली मेंबर होता है, वो हमेशा सही चीजें खरीदता है और सही चीजें हमेशा सही कीमत पर मिलती है। सो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से हम अपना जो डीओ है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाकई उम्दा किस्म के हैं। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट अपने नेक्स्ट उसके बारे में, नेक्स्ट प्रोडक्ट के देखने के लिए, और उनके लिए मैं राधा श्रीवास जी हैं उनको कॉल करना चाहूंगा। तो राधा जी प्लीज आप अपना हैंड रेस कीजिए। राधा श्रीवास जी इंदौर से, चलिए मैम आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है और एक अपना जो है डेमोन्स्ट्रेशन अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा मैम। जी मैम कैरी ऑन। यस मैम शुरू कीजिए। मॉर्निंग टू ऑल। एक्चुअली मैं पहले मैं काफी ज्यादा नेगेटिव थी इन चीजों को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, बट धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही हूँ और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है।
और इसकी शुरुआत बेसिकली मैं जब एक कंज्यूमर बनी, मैंने खुद प्रोडक्ट यूज किए तो कॉन्फिडेंस आया और अब मैं मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ और करती भी हूँ। और सबसे अच्छा जो मुझे प्रोडक्ट लगता है मोती केयर का, इससे मैंने पहले यूज किया, दैट इज एसेंशियल टी ट्री ऑयल। ये मेरा फेवरेट है और मुझे ये बहुत पसंद है, इवन सबको बहुत पसंद आता है, क्योंकि जो टी ट्री की खासियत है इस ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, नेचुरल एंड लाइक एंटीसेप्टिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। और बेसिकली आज हम दो प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन और डिटेल में बात करेंगे। जब हम स्किन की बात करते हैं तो जो नॉर्मल मार्केट में जो ऑयल मिलते हैं, जो लोग बोलते हैं उनको स्किन का प्रॉब्लम हो गया, उनका स्किन लाइक हाइड्रेट नहीं होता है और इचिंग हो रही है, पिगमेंटेशन हो रहा है, पिंपल हो रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है वो सब टी ट्री ऑयल के थ्रू हम उसको हटा सकते हैं। इवन जब हम हमारे हेयर फॉल की बात करें, हमारे हेयर स्किन की बात करें, स्कैल्प की बात करें, और डेंसिटी किसी के बालों में नहीं होती, बहुत पतले से होते हैं, उनको उनका जो लेंथ है बालों का वो मेंटेन नहीं होता है और डैंड्रफ हो जाता है स्किन पे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली रिमूव करता है। सबसे पहले हम स्किन की बात करेंगे, तो स्किन में इसको यूज करने का क्या तरीका है? अगर आप आपका हेयर ऑयल यूज कर रहे हो, 100 ml अगर आपने कोकोनट ऑयल लिया है उसमें 10 drops अगर आप इसके ऐड कर रहे हो और फिर आप उसको यूज कर रहे हो, तो आपके हेयर्स में जो भी प्रॉब्लम है, लाइक आपको अगर रूसी का प्रॉब्लम है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आपके हेयर डेंस नहीं हो रहे हैं, या फिर वो गिर रहे हैं, या जो बहुत सारे लोगों के यहाँ गंजेपन का प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें न्यू हेयर्स आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। और इजिली स्किन का भी ऐसा ही है, जैसे जिनको पिंपल हो गया है तो आप सिंपल से ईयरबड लीजिए, उसको डिप कीजिए और उस पर लगा लीजिए, वो बहुत मैजिक जैसा काम करता है, पूरा जो प्रॉब्लम है आपकी स्किन का वो रिमूव करेगा। इवन स्किन टैनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आप इसको एज अ लाइक जो टोनर होता है उसको स्किन पे यूज कर सकते हैं। इसकी बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इवन अगर आपको सर्दी हो गई है तो आप हल्का सा लाइक इसको गर्म पानी में ड्रॉप डाल करके ले सकते हैं, तो आपका जो सर्दी का प्रॉब्लम है वो सही होगा। हेडेक हो रहा है तो हल्का सा यहाँ पे आप लगा लेंगे आपके लाइक फोरहेड पे, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, वहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है और इसे मैं सबसे ज्यादा प्रमोट करती हूँ, मोती केयर का ये प्रोडक्ट। थैंक यू, ये मेरी तरफ से थोड़ा सा था जो मैंने आपको शेयर किया, और अब मैं थोड़ा सा डेमो आपको करके बताती हूँ। ये मैंने एक बलून लिया है, अब टी ट्री काम कैसे करता है वो देखते हैं। अब मार्केट का जो नॉर्मल ऑयल होता है, बहुत सारे डेमो आते हैं, आप लाइक आप कोई सा भी ब्रांड लीजिए, वो कहते हैं हमारा तेल लगाइए आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो रिजल्ट चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं। और देखिए टी ट्री का मैजिक क्या रहेगा, अभी जैसे नॉर्मल ऑयल मैंने इस बलून के ऊपर डाला है तो ये नॉर्मल ऑयल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये सिर्फ टॉप लेयर पे जाकर के रुक गया है। लेकिन हम जब टी ट्री की बात करेंगे तो टी ट्री काम कैसे करता है, ये पेनेट्रेशन का काम करता है, मतलब टॉप लेयर से अंदर वाले लेयर तक ले जाने में आपकी हेल्प करता है। जब आप ऊपर से काम करते हो तो वो रिजल्ट आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब हम अंदर से टॉप लेयर की नीचे वाली लेयर से काम करते हो तो वहां से आपको रिजल्ट मिलते। जस्ट 1 drop अगर मैं इसका यहाँ पे डालती हूँ बलून पे, तो आप इसका देखिएगा रिएक्शन क्या होता है। तो ये रहा ऑल अबाउट टी ट्री, क्योंकि ये सबसे पहले आप जो भी चीज अप्लाई कर रहे हैं आपके हेड में, लाइक कोकोनट आपने लाइक कोकोनट ऑयल यूज किया है तो उसको अंदर तक लेके जाएगा, एनी हेयर ऑयल, अगर आपने शैम्पू लिया है, कंडीशनर लिया है, कुछ भी आप करना चाहें इसको मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। इवन बस आंखों से आपको इसको दूर रखना है, क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है और किसी किसी की स्किन जो होती है वो बहुत लाइक थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है स्किन में, तो वो डायरेक्टली इसको यूज ना करते हुए इसको ऑयल में या क्रीम में मिक्स करके स्किन पे अप्लाई करें। और हेयर के लिए तो आपको बताइए कोकोनट ऑयल बेस्ट ऑयल, उसके अंदर आप मिक्स कीजिए और लगाइए। थैंक यू। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से जो टी ट्री ऑयल है, ये एक छोटा पैकेट है पर बहुत बड़ा धमाका है हमारे लिए फ्रेंड्स, क्योंकि टी ट्री ऑयल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम यूज कर सकते हैं। और देखिए है छोटी चीज पर इसका जो जो इसके जो वेरिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट की तरफ, वो आपको बताएंगे गुजरात से
मिस्टर मिहिर लालवानी जी। मिहिर जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम मिहिर लालवानी है, मैं अहमदाबाद से हूँ। लास्ट 15 ईयर से एज ए आईटी कंपनी में काम करता हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं इस इंडस्ट्री में आया क्योंकि मेरे बहुत सारे सपने हैं उसको पूरे करने के लिए आया हूँ जो मेरी जॉब से नहीं हो सकते थे। तो आइए फटाफट एक मैं डेमो दिखा देता हूँ क्योंकि सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब प्रोडक्ट बढ़िया है, इसीलिए मैं इसमें आया हूँ क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी है। तो फटाफट से अपन एक डेमो करते हैं जो सबसे पहले मार्केट में यूज होता है, वही वाला से कंपेरिजन करते हैं। इसका है बियॉन्ड ब्लू। बियॉन्ड ब्लू एक तरह से टॉयलेट क्लीनर है, ठीक है। ये एक प्रकार से मान लो कि आपका वो टॉयलेट क्लीनर लगाते हो उसके 60 सेकंड के बाद इसका कलर चेंज होता है और इसकी क्वालिटी ऐसी होती है बायोडिग्रेड है, यानी कि आपकी पाइप में चॉकअप नहीं होता है और अपना काम खत्म करने के बाद ऑटोमेटिकली ये वॉश आउट हो जाता है। तो चलिए फटाफट से डेमो देखते हैं। देखिए आप मेरे पास एक तांबे का बर्तन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं बूंद इसकी गिराता हूँ। ये मैंने उसकी बूंद गिरा दी यहाँ पे देख रहे हो। अब मैंने इसको साफ किया आपके सामने, ठीक है, आप देख सकते हो कैसे चमकने लगा है। तो यही रिजल्ट है मोदी केयर का प्रोडक्ट का। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू मिहिर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बियॉन्ड ब्लू जो है वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखिए ये बायोडिग्रेडेबल है अगर, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और देखिए मोदी केयर के बारे में अगर बात करें तो मोदी केयर में करीबन करीबन 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो ये ऑनलाइन इस चीज को डेमोस्ट्रेट करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए कम से कम 4-5 दिन लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने बहुत चुनिंदा प्रोडक्ट्स आपके सामने शेयर किए जो हर घर में रोजमर्रा की जिंदगी में यूटिलाइज होते हैं। ब्रश है, टूथपेस्ट है, साबुन है, क्या कहूँ। कुछ चीजें मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, ये तो रहे प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने बारे में बता देता हूँ। मैं खुद रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जिस दिन पहली बार मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को देखा था, ठीक है, देखिए मैं मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, मैं एक कंपनी है उस कंपनी में एक सीईओ लेवल पे काम करता हूँ। करीबन करीबन 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। बट मोदी केयर मैंने क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे रीजन था, वहां मेरे पास समय नहीं था। पैसा तो था नो डाउट, पर समय नहीं था। तो मोदी केयर मैंने ज्वाइन किया था समय के लिए। आज अब मेरा नेटवर्क बिल्डअप करते करते मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैं मोदी केयर में डायरेक्टर लेवल पे अभी वर्क कर रहा हूँ। और इसमें बहुत ही ज्यादा चीजें, मैं पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक चीजें मैं भाई डेली मैं सीखता हूँ इसमें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एक अच्छी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो एक अच्छे इंसान बनते हैं। एक मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि अगर आप 5 शराब पीने वालों के साथ बैठेंगे तो 6वें शराबी आप होंगे, और अगर आप 5 अच्छे लोगों के साथ, 5 पॉजिटिव लोगों के साथ बात करने के शुरू करेंगे तो 6वें एक सही पॉजिटिव और सकारात्मक इंसान वो आप बनेंगे। तो मोदी केयर में क्या होता है कि पॉजिटिव ही टॉक की जाती है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और लाइफ भी बहुत अच्छी पॉजिटिव हो जाती है। अब ऐसे एक शख्स से मिलने का मैं आपको एक रूबरू कराना चाहता हूँ, एक ऐसी शख्सियत से जिनको देख के मैं भी मोदी केयर में आया। उनकी बात करने का लहजा बहुत ही प्यारा लगा मुझे। वो जिनसे मिलते हैं उनका ऑरा इतना अच्छा है, वो जिनसे मिलते हैं वो दिल खुश गार्डन गार्डन हो जाता है। उन्हीं का डायलॉग है कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मेरी मुराद है मेरी हमारी सीनियर सुपर अपलाइन मिस्टर विवेक शर्मा जी अमृतसर से। मिस्टर विवेक शर्मा जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू इंद्रजी सर, थैंक्स अ लॉट। आज वाकई दिल गार्डन गार्डन हो गया। साहिल जी की पूरी टीम ने बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी और सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से डेमोस्ट्रेशन दी, टेस्टिमोनियल दिए। आज मैडम को पहली बार जूम सेशन में सुना मैंने, बहुत मजा आया। दोस्तों मैं अभी भी फील्ड में ही हूँ लेकिन मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी रहो मीटिंग अटेंड करना एक लीडर की बहुत जिम्मेवारी होती है, तभी आपकी टीम मीटिंग अटेंड करेगी यदि आप अटेंड कर रहे हो। तो दोस्तों जैसे इंद्रजी सर ने बुलाया, मायसेल्फ विवेक शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से हूँ और आज से 7 साल पहले मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी जैसे आज सभी को मिली है। आप जो एक 100+
होगी इतनी बड़ी, दोस्तों क्या बताऊं, आज मोदी इनकम आ रही है। और खुशखबरी पता क्या है, जो आज सिलेबस आपने देखा 7 साल पहले ये सिलेबस मेरे को बताया गया था। और दोस्तों खुशखबरी एक और भी है, आगे आने वाले 70 साल सिलेबस यही रहेगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिर्फ वही स्टूडेंट पास होंगे जो इस सिलेबस को बार बार बहुत सारे लोगों के साथ प्रैक्टिस करते करते आगे लेके जाएंगे। दोस्तों ये तो रोज सीखने का कारोबार है, रोज सीखते सीखते आज दोस्तों मैं इसमें ट्रिपल ब्लैक डायमंड हूं। और थैंक्स करता हूं अपनी अपलाइंस का जिन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे को दी और आज टोटल जिंदगी चेंज हो चुकी है। दोस्तों 9 महीने में 9 लाख की ब्लेनो गाड़ी मिल गई थी और 10 जून को अभी मेरी सेकंड गाड़ी अल्काज़ार 23 लाख की मोदी केयर से आई है। ये मोदी केयर की पावर है दोस्तों। अदरवाइज देखिए आज इंद्रजीत सर जहाँ बहुत सारे और दोस्त जो इस मीटिंग में हैं बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब प्रोफाइल से हैं, लेकिन वहां पे क्या है, बॉस, यहाँ पे बॉस है ना वहां पे टेंशन होगी। ये एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पे ना ही कोई बॉस है ना ही कोई लॉस है, और दोस्तों फ्लेक्सिबल आवर्स में आप बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं। आज इस मीटिंग में मैंने भी एक नए गेस्ट इनवाइट किए हैं, मिस्टर राज कुमार जी फ्रॉम उत्तराखंड से, वो भी जॉब क्लास है। उन्होंने आज इस मीटिंग में आके मेरे हिसाब से उन्होंने क्या, बहुत सारे नए लोगों ने आज डिसीजन ले लिया होगा कि वाकई ये अपॉर्चुनिटी है एक नॉर्मल आदमी के पास जो जीरो से हीरो बना सकती है और बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया जा सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मोदी केयर में, और आप सभी को मैं आने वाले बहुत बढ़िया फ्यूचर के लिए दोस्तों इन्वाइट कर रहा हूं, क्योंकि ये बिजनेस क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये 2-5 ईयर गेम प्लान है। इसको गेम प्लान बना के अपने ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के अपनी प्लानिंग कीजिए और फिर इस बिजनेस को एज ए प्रोजेक्ट दोस्तों हैंडल कीजिए, और 5 साल के अंदर अंदर मैं आप क्या आपकी आने वाली पीढ़ियां दोस्तों याद करेंगी कि ऐसा बिजनेस हमारे बड़े किसी बड़े ने किया था, आज टोटल जिंदगी बदल गई है। दोस्तों थैंक गॉड वी आर ब्लेस्ड, हम सभी लोगों ने दोस्तों मोती दान कर रखे हैं जो मोदी केयर बिजनेस मिला है। दोस्तों मैं कल के आपको एक बात बताऊं, कल मेरे को 3200 रुपए के मोदी केयर से फ्री प्रोडक्ट मिले। मैंने वाइफ को आके बताया, देखो कितनी बढ़िया कंपनी है, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको फ्री में प्रोडक्ट दे रही है। इतना बढ़िया प्लान बना दिया कंपनी ने, अब तो दोस्तों 6 लाख का प्लान है, मतलब मैं तो कहता हूं इससे आसान रास्ता जिंदगी में कोई नहीं है कामयाब होने के लिए। तो दोस्तों प्लीज बी सीरियस अबाउट दैट, अभी मोदी केयर बहुत फास्ट ग्रो कर रही है दोस्तों, अब हम लोगों को अपना गियर चेंज करने का टाइम है, अब हम लोग गियर चेंज करें। कंपनी ने तो गियर चेंज कर रखा ही है, कंपनी तो जब मैंने शुरू किया था दोस्तों सिर्फ 97 करोड़ की टर्नओवर थी पूरे एक साल की, आज दोस्तों 2000 करोड़ की टर्नओवर हो गई है, और आने वाले टाइम में देखना दोस्तों ये टर्नओवर 5000 करोड़ भी हो जाएगी। लेकिन जो लोग इसमें मेहनत कर लेंगे वो भी 2-4-5 करोड़ रुपया इसमें से बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, आप सभी का वेलकम है। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, 9 अक्टूबर को दोस्तों हमारे दिलों के धड़कन कंपनी ऑनर मिस्टर समीर मोदी जी जलंधर में आ रहे हैं स्पेशल पंजाब में, पंजाब के लोगों को मिलने के लिए। और जितने भी दोस्त इस मीटिंग में हैं मैं चाहता हूं वो तो सारे आए हैं, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके आए हो जलंधर में और अपनी टीम को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बातचीत कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से हमको बताया कि किस तरीके से। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि विवेक सर ने स्कूटर से शुरुआत की थी, आज इन्होंने कुछ महीने पहले इन्होंने अल्काज़ार जो हुंडई की जो गाड़ी है 25 से 28 लाख के बीच में, मुझे तो फिगर भी याद नहीं, वो ली है और इसी बिजनेस से ली है माय डियर फ्रेंड्स। अब एक ये था हमारा सर सारा का सारा सेशन, एक डेमो हमारी रह गई है और मैं वो डेमो क्योंकि रहना चाहे क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाने बहुत जरूरी है, उसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर सुमित प्रजापति जी इंदौर से। सुमित जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। सुमित जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच है. चलिए एनीवेज फ्रेंड्स, सुमित जी अभी ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं. एनीवेज कोई बात नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है. माय डियर फ्रेंड्स, आपने सारा सेशन देखा. ये सेशन मैंने भी कुछ मैंने चंद महीने पहले देखा था, और जब इस प्रेजेंटेशन को मैं देख रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि किस तरीके से हम इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं. क्योंकि याद रखिएगा, कहते हैं सम पीपल वर्क बट सम पीपल वर्क टू क्रिएट अ नेटवर्क. कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग काम करते हैं, विस्तार करते हैं अपने नेटवर्क का. तो आई थिंक सुमित जी आ चुके हैं. हाथ रेज किया है. जी सर, सुमित जी आ चुके हैं. तो हम सुमित जी आप कैरी ऑन कीजिए अपने डेमोंस्ट्रेशन के साथ. प्लीज सर. बिल्कुल सर, श्योर. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एंड मैं आज आपको स्टेरी के मोदी केयर के जो क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं, स्टेरी क्लीन का, आज मैं उसका डेमो दिखाऊंगा. मेरे पास ये दो ग्लास लेके रखे हैं मैंने, और मैं इसमें ये वाटर मिक्स कर रहा हूँ. एक ग्लास को मैंने आधा लिया और दूसरे ग्लास को मैंने आधा. वीडियो नहीं दिख रही सर. सर एक मेरी वीडियो नहीं दी. सर आपको स्पॉटलाइट किया सर मैंने. जी सर. सुमित जी आप दिख रहा है सर? ठीक है सर. यस सर. हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है सर. ये दो ग्लास लिए हैं मैंने, और इसके अंदर पानी लिया हुआ है मैंने, और अब मैं इसमें मिला रहा हूँ उजाला नील. इसके अंदर पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ठीक है, इसकी कुछ बूंदे इसमें डालता हूँ. एज अ बैक्टीरिया के तौर पर मैं इसमें डालता हूँ. दो बूंद इसमें डाली है और दो बूंद इसमें डालती है. अब मैंने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है. यह मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है. ठीक है, और दोनों को इक्वल पार्ट में मैंने ले लिया है. अब देखते हैं कि जो मार्केट ब्रांड है, ये मार्केट ब्रांड आपने देखा होगा, जो मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है, टीवी पे बहुत अच्छे से एड दिखाता है कि 99% जर्म्स को क्लीन करता है. ठीक है, तो लेट्स सी, आइए हम देखते हैं कि आज क्या कितनी सच्चाई है इस प्रोडक्ट के अंदर. ठीक है, वो कहता है कि आप एक ढक्कन डालो एक बाल्टी में, लेकिन हम कहते हैं कि हम इसमें एक ग्लास में कितना डालते हैं, तकरीबन हम पूरा एक ढक्कन डाल रहा हूं मैं. देखिए आप, ये पूरा एक ढक्कन मैंने इसमें डाला है. ये मार्केट ब्रांड है. देन आज हम कंपेयर करेंगे हमारे मोदी केयर ब्रांड से. ठीक है, ये हमारा स्टेरी क्लीन आता है जो क्लीनिंग में बहुत ही बढ़िया है. इसके हम कुछ बूंदे लेते हैं, चंद बूंदे. ये देखिए, मैं इसमें आपको बता रहा हूं, इसकी कुछ बूंदे ली है. अब देखिए, देखते हैं क्या होता है. तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मार्केट ब्रांड और ये हमारा ब्रांड. मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्टेरी क्लीन है, स्टेरी क्लीन के बहुत सारे चीजें हैं, के फायदे अनेक है. जैसे ये आपको घर में पोछे लगाने के में काम आ सकता है. प्लस घर में यदि आपके बहुत ज्यादा मच्छर कॉकरोच वगैरह हो तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो. जैसे मैंने इसको अलग से इसके अंदर भर के रखा हुआ है. जैसे बहुत सारे मच्छर होते हैं तो आप उस पर स्प्रे कर सकते हो, तो जो जितने भी मच्छर रहते हैं, मच्छर इंस्टेंटली मर जाते हैं. ठीक है, तो ये इतना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है स्टेरी क्लीन. प्लस इसकी एक खासियत है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, तो जिसे आप एज अ सैनिटाइजर भी आप इसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसकी बहुत सारी क्वालिटी से बहुत सारी खासियत है. सो दोस्तों, मुझे जितनी खासियत पता थी मैंने आपको बताई है. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, एंड थैंक यू सो मच टू माई ऑल अप्लायंस फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सुमित जी, थैंक यू. बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया क्योंकि स्टेरी क्लीन एक ऐसा प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, जो हर घर में यूज किया जा सकता है और हर घर में यूज होना भी चाहिए. क्योंकि आफ्टर कोविड हम सभी समझ चुके हैं कि साफ सफाई हर घर में कितनी ज्यादा जरूरी है. अब ये था सर सारे का सारा सेशन माय डियर फ्रेंड्स. अब हम क्लोज कर रहे हैं. कुछ भी आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनको कॉल कीजिए, अपनी ज्वाइनिंग डालिए, प्रोडक्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लीजिए,
और बस अपनी लाइफ में एक सकारात्मक एक पॉजिटिव चीज लाइक इट लेके आइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके।